सभी साथियों को बुरा लगता। जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली ना, पिछले 13 साल अपने बच्चों का हिस्सा काट के ना वहां पर आंदोलन चलाया, और फिर ये समझा कि हरियाणा से दिल्ली में आके ना हम लोगों ने पाया क्या और खोया क्या। समझे ना साथियों, आज दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकल के चले जाओ और दिल्ली के तमाम संगठन इंक्लूडिंग हस दो इंडिया भी उसमें जो इन्वॉल्व है, हमारे बारे में एक धारणा बनी हुई है, हम बहुजन समाज के लोग नहीं, हम लोग भोजन समाज के। दिल्ली में जब भी किसी बहुजन आह्वान का कॉल किया जाता है, चाहे 2 अप्रैल की बात हो, चाहे 21 बड़े जो अभी जो प्रोग्राम हुआ था हमारी उसकी बात, समझे ना साथियों, दिल्ली के तमाम संगठन जो इस चीज के लिए जिम्मेदार संगठन है, मैं सबसे पहले अपना संगठन को जो हस्तो इंडिया को जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं मैं उसको भी जिम्मेवार मानता हूं। जो लोग 1000 किलोमीटर दूर से आगे चले गए, हम लोगों ने उनको दिखाया कि हमारी औकात क्या। 21 अगस्त को जब रामलीला मैदान में जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो हम लोग वहां पर जो ना मेंढकों की तरह लड़ रहे थे, पूरा मंच जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो विरोधाभासी था कि भी पहले मेरा नंबर आ जाए, मेरा फेस चमकाया जाए जो है। लेकिन किसी के दिल में ये बात नहीं थी कि संत श्रोमणी रविदास जी का जो है स्थान जो है वो तोड़ा गया। सिर्फ सभी के सभी लोग जो है वो व्यक्तिगत संगठनात्मक राजनीति कर रहे थे। समझे ना साथियों, आज हम लोग, बालक राम जी ने मुझे कहा कि विजय बोध जी आपको आना, हमका जी रहने दो, फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ हस्तो इंडिया तो पहले ही बदनाम है इन चीजों के लिए, आज और पूरे मुख्य रूप से बदनाम होगा। हम लोग पहले कहां रह गए थे भाई, समझे ना, जब डीसी कपिल भाई और जो साथी जो जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, समझे ना, आज बुलाने के लिए मुझे बुला तो लिया आप लोगों ने, ये गलती कर दी जो है, और बहुत सारे संगठन इसीलिए नहीं बुलाते क्योंकि हमें कड़वी बात कहने के आती है और कड़वी सुनने के भी आती है। अगर हम लोग लारा लीरी करके अंबेडकर बात चलाना चाहते हैं और बहुजनवाद की बात करना चाहते तो हम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। समझे ना साथियों, जब हम लोग बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है, हमें कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती है, लेकिन आज जरूरत है हमें अपना ऑपरेशन करवाने की दिल्ली के तमाम संगठनों को। जो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हमारी संख्या में कमी नहीं थी, समझे ना, 21 अगस्त को, लेकिन हमारे नेतृत्व में कमी थी जो है। ये दिल्ली के तमाम संगठनों की जिम्मेवारी बनती थी कि जो बाहर से दूर दराज से जो है, जो दूसरी स्टेट से जो है, दूसरे देश से जो लोग दिल्ली में आए उनकी हम लोग व्यवस्था कर पाए जो है, समझे ना साथी जो है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। चंद साथी बैठे हैं हमारे बीच में, बहुत सारे साथी, मैं नाम नहीं लूंगा उन साथियों का क्योंकि वो कहेंगे भी नाम लेके फेमस किया जा रहा है। बहुत सारे साथी थे अंबेडकर भवन में दूसरी जगह पे, जो क्या उन्हीं साथियों का दायित्व बनता है कि जो बाहर से जो साथी आए हैं, ये हम सब की निजी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन हम लोग दिल्ली में बैठे हैं क्योंकि दिल्ली जो है देश की धड़कन है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहां से कुछ आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि भी दूसरे लोग जो बाहर की स्टेट के लोग जो हम लोगों को फॉलो करें। आज दिल्ली का हर संगठन जो है वो पतीला पार्टी के रूप में विकसित हो चुका है। अगर जहां पर खाना है ना तो हम लोग वहां पर जाएंगे जो है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी भी जो इस बात को जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे जो बुद्धिजीवी जो लोग है ना उनको आगे नहीं लाया जा रहा। चंद कुकर मुद्दे जो ना वो विशेषकर जो ना बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं, और बहुजन समाज की राजनीति भी क्या है, हम लोग अपने अपने जो है संगठनों के माध्यम से जो है हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना फेस चमका लेते हैं,
फिर कोई कांग्रेस के पांव में गिरता है, फिर कोई बीजेपी के पांव में गिरता है। ये दिल्ली के संगठनों की हकीकत है। समझे ना साथियों, मुझे दुख होता है और ये मुझे दुख के साथ जो है ना, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, हम लोग बहुजन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। बहुजन का मतलब है कि हम लोग पहले एकजुट तो हों, वैचारिक रूप से एकजुट हों, ठीक है ना। ठीक है, आर्थिक रूप से हम लोग एकजुट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे बहुत सारों के जो है ना पर्सनल इश्यू है। अरे हम लोग सामाजिक विचारधारा पर तो एक हो जाएं, समझे ना। जब तथागत बुद्ध बोध गया में जब बम ब्लास्ट हुआ, वो सिलेंडर फटे थे, जब हम लोगों ने जो है 26 अलीपुर रोड पर कॉल किया था, भाई मिलिंदर बैठे हैं, मिलिंदर जी वहां पर आए थे, जो हम गिने चुने लोग थे। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर के 26 अलीपुर रोड का आंदोलन चलाया, वहां पर भी गिने चुने लोग आए। और आज हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, संत शिरोमणि रविदास जी का जो धर्म स्थल जो है, हम लोग कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस मानसिकता के लोग बैठे हैं ये उस बात पर भी निर्भर करता, वो उन लोगों ने तोड़ा है। हमारे पास वकीलों की कमी नहीं है, समझे ना। हमारे बीच में हमारे साथी श्याम सिंह जी बैठे हैं जो कोर्ट देख रहे हैं, बाकायदा जो है 96 लोगों के उस, समझे ना। हम लोगों ने साकेत कोर्ट में भी देखा, रोणी में भी देखा, कड़कड़डुमा में भी देखा, हमारे वकीलों की संख्या कम नहीं है, लेकिन वहां पर भी हम लोग एकजुट नहीं है। हम लोगों को वहां पर भी संगठन में और पार्टियों में बांट लिया गया, समझे ना साथियों। तो हम लोग कहां जो है बहुजनवाद की परिभाषा को एकजुट करेंगे? खाली तथागत बुद्ध का एक मूल मंत्र कहने से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो जाएगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जो हमें पहले तथागत बुद्ध के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, समझे ना, बाबा साहब के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और जब साहब कांसीराम ने इन चीजों को इंक्लूड करके जो है हमारे सामने इंप्लीमेंट कर दिया, हमें तो उसको लेके चलना ही तो है, लेकिन हम लोग उसको लेके चल भी नहीं पा रहे, तो सबसे बड़ा फेलियर तो हमारा ये है। तो हम लोग और किस बहुजनवाद की बात करें, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, समझे ना साथियों। अच्छे एसीओ में बैठ के कॉन्फ्रेंस करना, बहुजनवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अगर बहुजन में क्रांति आएगी तो ग्रास रूट पे क्रांति होगी, और हम सब लोगों के एकजुट होने पे क्रांति होगी, चाहे वो मीडिया के साथी हैं, चाहे वो हमारे साहित्यकार साथी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हमारे साथी है, समझे ना साथियों। तो मुझे ये लगता है कि भाई अगर हम लोग जो है, अगर एक प्लेटफार्म को मजबूत करने की बात करते हैं साथियों, अभी आप आज से बड़ी त्रासदी नहीं देखी होगी आपने, जो हमारे 96 लोग जो है, 96 में से 70 वो लोग हैं जो बहुजन आंदोलन में अभी नए अंकुरित पेड़ हैं, समझे ना साथियों। और वो लोग जो ना आज बाट देख रहे हैं कि हमारी बेल कौन करवाएगा, कैसे बेल होगी। जो हम लोग शाम जी से हम हर रोज डिस्कशन होता है, भाई संदीप जी, नीलम बहन और जयप्रकाश जी सारे साथी, जो हम लोग रोज तत्पर बात करते हैं कैसे आंदोलन को जो है ना, ये जो हशर है हमारे लोगों के द्वारा हुआ है भाई, हम दूसरों को क्यों दोष दें। अगर हम लोग ये सोचे ना कि भाई आरएसएस ने किया है, ये भाजपा ने किया, नहीं, ये किया है कि हम लोगों ने किया। अगर हम लोग देश की राजधानी में मजबूत हैं, तो आरएसएस की हिम्मत नहीं है, भाजपा की हिम्मत नहीं है, जो हमारे धर्म स्थल की एक ईंट भी उठा के देख लीजिए। हमारी जो अनेकता जो है ना, वो उनका जो ना एक हथियार है, वो इस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। 2 अप्रैल में हम लोगों ने भले ही झंडे गाड़ दिए हों, लेकिन 21 अगस्त के आंदोलन में जो है दिल्ली के तमाम संगठनों के ऊपर जो ना एक चोट है, एक बड़ा प्रहार है कि भाई आप लोग जो है ना, दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उसको मैनेज नहीं कर पाए आप लोग, समझे ना साथियों। अभी संदीप भाई जी और हम लोग जो नकोदर, राजस्थान, जलंधर और लुधियाना में हम लोग बड़े पैमाने पर हम लोग वहां पर गए, हम लोगों को ये सुनने को मिला। आप लोग दिल्ली के लोग यहाँ पर आते तो हो, लेकिन जब हम लोग दिल्ली में गए तो आप लोगों का क्या परिचय था, जो आप लोगों ने क्या वहां पर योगदान दिया, समझे ना साथियों।
हमें पहले अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारा घर जो है वो दिल्ली है, समझे ना। जिन साथियों को इस बात है, मुझे लगता है बुरा लगता है, मैं माफी मांगने वाला नहीं, ठीक है ना। मेरे बाप कांशीराम ने मुझे यही सिखाया, जो बात कहनी है ना वो डंके की चोट पे कहो, जिसको बुरा लगेगा ना वहां से दिल में चोट लेके जाएगा, और वो आने लिए आने वाले समय के लिए ना तो मजबूत होगा, तैयार होगा। तो आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इस बात के लिए जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।